देखेंगे अब व्यूज। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसकी बैक तो बहुत लंबी है। रिलैक्स, इजी ब्रीद आउट, इजी। ओ नाइस। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। मेरे साथ क्या नाम है आपका? रविंद्र। रविंद्र है। रविंद्र कितने दिन से आ रहे हो? मैं आज 7वां दिन। क्या क्या दिक्कत थी, क्या आराम है, कैसा लग रहा है? मेरा बैक पेन था और ये सर्वाइकल नेक तक पेन था और अभी बैक पेन हो गया खत्म। कैसा लग रहा है ओवरऑल? क्या करते हो आप? मैं टीचिंग करता हूँ। क्या पढ़ाते हो? मैं इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ा? स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे? स्कूल लेवल पे। तो कब से था ये दिक्कत? ये ज्यादा नहीं, 3-4 महीने हो रहे थे। बहुत दिक्कत था? हाँ, काफी पेन हो रहा था बैक पे। अच्छा, तो आप दिल्ली से ही हो, दिल्ली से बाहर से हो? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हो। अब बेटर है पहले से? हाँ बेटर। और आपको इंसोल भी दिया था है ना? इंसोल। आपके पाँव में दिक्कत थी है ना, तो आप यूज कर रहे हो? हाँ है ना। तो आप यहाँ पे दिल्ली में कब तक हो? मैं आज तक ही हूँ। आज ही हो? आज उत्तराखंड जा रहे हो? कहाँ पे रहते हो उत्तराखंड में? मैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में? अच्छा। सो व्यूअर्स, पिथौरागढ़ या जितने भी पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे चलना पड़ता है फिजिकली। ज़्यादातर पहाड़ी लोग जो भी आते हैं इन सबके पाँव में हमें दिक्कत देखने को मिलती है। ऑल्दो उनकी स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चलने की वजह से जूते जल्दी खराब हो जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, इंसोल तो ले लिया है, 6 महीने में आके उसको रिमोल्ड कराना है और जूते हर 6 महीने बाद बदलना है। एक जूता रोज नहीं पहनना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ है ना, अगर मंडे को एक जूता पहना है तो ट्यूजडे को दूसरा जूता पहनना है, चेंज करते रहना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और लेटेंगे। इसी तरह से लेट जाएंगे, उल्टा उल्टा लेट जाएंगे। फेस नीचे करेंगे। हाँ हाँ, हाथ साइड में कर लेंगे, इजी ब्रीथ आउट करेंगे। देखेंगे अब व्यूज। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसकी बैक तो बहुत लंबी है जो कि एक हेल्दी स्पाइन की निशानी होती है। अगर स्पाइन मुड़ जाती है तो स्पाइन की लेंथ कम हो जाती है। इसकी बैक पूरी तरह से लंबी है और हेल्दी भी है, मसल्स भी बिल्कुल प्रोमिनेंटली नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे, ये मसल्स दिखना बहुत जरूरी होता है। ये जो बल्क होता है जिसका ब्लैक वीक हो जाती है तो ये मसल बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। हल्का सा इसका कर्वेचर भी नजर आ रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जॉइंट्स हमने यहाँ पे खोल दिए हैं। टर्न करेंगे मेरी तरफ। इजी, रिलैक्स उस तरफ। रिलैक्स, वेरी गुड। सीधा लेटेंगे, ऊपर जाओ थोड़ा सा। रिलैक्स करो। इसके लेफ्ट साइड में प्रोनेशन है। ये कर्व जो देख रहे हो, ये चीज आप देखते होगे जनरली काफी सारे लोगों में आना शुरू हो जाता है। इजी ब्रीथ आउट, इजी। ओ नाइस। आ जाओ बैठो, बताओ कैसा लग रहा है। और ये देखो यहाँ पे नरेंद्र, साइड से दिखाओ, गर्दन ऊपर करो। स्वेलिंग देखो अभी भी कितनी है, कितना ये मोटा यहाँ पे बना हुआ है, ये है ना। गर्दन देख रहे हो कितनी लंबी है, इसकी स्पाइन लंबी है, कोई चेंजेस नहीं आया, यंग है, ये हेल्दी स्पाइन है। बट यहाँ पे प्रेशर ज्यादा इसका पड़ता है। अगर शोल्डर भी देखें तो ये शोल्डर थोड़ा सा उठा हुआ है, राइट वाला, लेफ्ट वाला हल्का सा झुका हुआ है। और बताओ और कैसा फील हो रहा है? हाँ अच्छा फील हो रहा है। अच्छा वो फील हो रहा है, एक बार ये भी कर लेता हूँ। रिलैक्स, साइड से तो बिल्कुल फ्री है ना। और कुछ बोलना चाहोगे व्यूअर्स को? और एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। मैंने एक्सरसाइज छोड़ रखी है लंबे टाइम से। डेली एक्सरसाइज करेंगे तो प्रॉब्लम्स कम आएंगी बिल्कुल। और कोई भी सवाल हो तो हम
पूछ सकते हैं, आप भी YouTube में सब्सक्राइब करें, है ना, तो जो भी आपकी वीडियो पे क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको जवाब दे सकते हो। व्यूअर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें। आपकी उम्र कितनी बताई थी? मेरी 27 है। आप भी कोई टीचर हैं जिसको ये दिक्कत हो रही है, आप भी पहाड़ी एरिया से हैं, तो आप हमसे सवाल जरूर पूछें। थैंक यू।